फार्मासिस्ट की नई वैकेंसीज आई हैं, कहां से ये वैकेंसीज आई हैं, क्या पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन होने वाला है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई फार्मा वैकेंसीज की, क्या पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन होने वाला है, क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या होने वाला है, कहाँ से उसका एग्जाम आएगा, जानेंगे पूरा डिस्क्रिप्शन आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो वैकेंसीज आई है ये आई है फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए, फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए कहां से, DMER मुंबई। अब बात आती है कि DMER क्या होता है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मुंबई, वहां से ये वैकेंसीज आई हैं। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो सामने आपके वेब पेज ओपन कुछ इस तरीके से आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मुंबई, जिसे आप संचालनालय वैद्यकीय शिक्षणी अणि संशोधन मुंबई के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बेसिकली ये पूरा वेब पेज है जहां पर आप इसका जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, वहां पर इसकी PDF भी अवेलेबल है और यहाँ पर ही आपको लिंक भी अवेलेबल है जहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इसकी एडवर्टीजमेंट PDF ओपन करेंगे तो PDF ओपन होकर आपके सामने इस तरीके से आएगी। वहां पर आप देख सकते हैं बेसिकली कि बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे औषध निर्माता, यानी कि फार्मासिस्ट के लिए बेसिकली ये वैकेंसीज आई हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होने वाली हैं वो है 169, यानी कि 169 फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आई हैं डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मुंबई की साइट से। अब बात आती है कि सर इसमें जो है एग्जाम होगा, ठीक है, साथ ही साथ सर इसमें सिलेबस क्या होने वाला है कि जिससे कि हम अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकें। तो इसके अंदर दो पेपर होने वाले हैं। पहला होगा आपका फार्मासिस्ट के लिए बेसिकली कौन सा, इंग्लिश का, जिसका नाम है सेक्शन नेम इंग्लिश, जहां पर आपकी ग्रामर आएगी, वोकैबुलरी आएगी, फिलिंग द ब्लैंक सेंटेंसेस भी आएंगे, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर आएंगे। उसके बाद सेक्शन नेम है फिर मराठी, मराठी में बेसिकली आपका मराठी व्याकरण आएगा और भाषा सौंदर्य आएगा, जिसमें उपमा अलंकार मणि व वाक् प्रचार यांचा अर्थ अणि वाक्यात उपयोग सर्व सामान्य शब्द संग्रह इत्यादि, ये सब आपके बेसिकली इसमें आने वाले हैं। प्रसिद्ध पुस्तकें अणि लेखक होने वाला है और योग्य जोड़िया लावा, ये भी बेसिकली आपका आने वाला है। नेक्स्ट सेक्शन है जो कि है जनरल नॉलेज, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स आएंगी, इंडिया से आ सकती हैं और महाराष्ट्र से, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री सिविक्स आएगी, साथ ही साथ इसमें इंडियन ज्योग्राफी आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, जनरल साइंस आएगी, स्पोर्ट्स एंड कल्चर होने वाला है, और जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट 2015 है, ये भी इसके अंदर कवर होने वाला है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड बेसिक नॉलेज भी आपसे पूछी जाएगी। सेकेंड पेपर में बेसिकली आपका लॉजिकल एबिलिटी है, जहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, बेसिक अरिथमेटिक नॉलेज होगा, मैथमेटिक्स होगा जिसमें न्यूमेरिक एल्जेब्रा ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स आएगी, जनरल साइंस होगा जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस आएगा। उसके बाद सेक्शन नेम है सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज, मींस कि जो आपने अपने फार्मेसी में जो भी आपने अपनी डिग्री ली है, चाहे डिप्लोमा है बी फार्मा एम फार्मा, तो उससे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे जनरल फार्माकोलॉजी फर्स्ट से टाइप ऑफ ड्रग्स आएंगे, जनरल क्लासिफिकेशन आएगा ड्रग्स का, ड्रग डोजेस फॉर्म है, बायोअवेलेबिलिटी, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडक्शन और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एक्सेट्रा। साथ ही साथ इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया से क्वेश्चंस आएंगे, फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 अमेंडमेंट्स आएंगे, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्रग स्टोरेज लॉजिस्टिक एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है, कम्युनिटी फार्मेसी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, डिसइंफेक्टेंट्स और उनके कंसेंट्रेशंस जो हम फार्मास्यूटिकल्स में और हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, साथ ही साथ EDL और ECL लिस्ट, यानी कि स्टैंडर्ड लिस्ट जो है ड्रग्स की और कंज्यूमेबल रिक्वायर्ड्स की, जो एक हॉस्पिटल को रन करने के लिए जरूरत होती है। तो ये बेसिकली आपका पूरा सिलेबस है जो इस डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मुंबई के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा वेरियस फार्मासिस्ट की पोस्ट पे, जो कि आई है 169, उसके लिए ये आपका सिलेबस है। अब बात आती है कि सर हमें एक ऑफिशियल लिंक दे दीजिए जिससे हम बेसिकली इसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हैं, डीपली पढ़ सकते हैं। तो लिंक मैंने सामने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है, आप इस लिंक पर जाकर बेसिकली देख सकते हैं, पूरा डिटेल में जॉब डिस्क्रिप्शन दोबारा से पढ़ सकते हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 169 वैकेंसीज आई हैं फार्मासिस्ट की, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दें, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी नाउ।
और ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 10 मई को, तो आप जल्द से जल्द इसको फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ आप अगर दूसरे फार्मासिस्ट वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स की नीड होती है, जो कि हम आप तक पहुंचा सकते हैं एट जस्ट 1 रुपी। लेकिन सर हम आपसे जुड़े कैसे, कैसे हमें ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स मिल सकते हैं, तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, जिसमें सबसे पहले फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे और आप बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स ले पाएंगे। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8006781759 इसको सेव कीजिए, सेव कर कैपिटल लेटर्स में पी इंडिया टाइप कर भेज दीजिए, आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे और साथ ही साथ आप इसके माध्यम से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स ले पाएंगे। तो इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ।